स्वागत है आपका। मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मैच जो है राजस्थान रॉयल्स से खेलने वाली है। आईपीएल 2019 का 27वां मैच जो कि शनिवार को खेला जाएगा और ये मैच दोपहर का होगा। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर दोस्तों तीन बड़े बदलाव जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम कर सकती है। तो कौन कौन से वो बदलाव हो सकते हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों लास्ट मैच जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से किंग्स 11 पंजाब से 3 विकेट से जीता, जहां पर कायरन पोलार्ड ने एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली 83 रनों की, वो भी सिर्फ 31 गेंदों। और अब अपना अगला मैच राजस्थान रॉयल्स से खेलने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पहला और कंफर्म चेंज होंगे रोहित शर्मा, जो कि पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। उनको उससे पहले नेट प्रैक्टिस करते दौरान थोड़े से इंजर्ड हुए थे, इसीलिए उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन वरी की कोई भी बात नहीं थी, ये कायरन पोलार्ड ने क्लियर कर दिया था। और ये मैच जो है वो हमें रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे, वापसी आएंगे और कप्तानी करते हुए भी दिखाई देंगे। सिद्धेश लाड जो है वो यहां पर प्लेइंग 11 से बाहर जाएंगे और रोहित शर्मा यहां पर डायरेक्टली प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे। बात करें दूसरे चेंज की, तो दूसरे चेंज होंगे यहां पर लसित मलिंगा, जिनको यहां पर इस प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। पिछले मैच में भी ये अवेलेबल थे लेकिन इन्हें खिलाया नहीं गया था। लेकिन दोस्तों डेथ में जो बॉलिंग थी वो काफी वीक रही थी मुंबई इंडियंस की पिछले मैच में, जहां पर डेथ ओवरों में काफी रन दिए थे। और ऐसे में एक डेथ स्पेशलिस्ट यानी लसित मलिंगा को जो है वो टीम प्लेइंग 11 में जरूर लाएगी। जेसन बैरनडॉर्फ या अल्जारी जोसेफ, इनमें से कोई एक जो है वो जाएगा प्लेइंग 11 से बाहर। अब बात करें दोस्तों तीसरे चेंज की, तो तीसरे चेंज यहां पर हो सकते हैं युवराज सिंह, जो कि ईशान किशन की जगह पर हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पिछले 2 मैच से प्लेइंग 11 से बाहर है युवराज सिंह, जबकि ईशान किशन ने दोस्तों कुछ उतना अच्छा इनिंग जो है वो पिछले 2 मैचों में नहीं खेला। ऐसे में युवराज सिंह को वापस ला सकती है टीम और यहां पर वो भी हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों चेंजेस की, कौन कौन से चेंजेस यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैसी प्लेइंग 11 होगी। तो यहां पर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक जो है वो हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। 1 डाउन पर सूर्य कुमार यादव होंगे, तो 4th नंबर पर होंगे यहां पर युवराज सिंह या फिर ईशान किशन, इनमें से कोई एक। 5वें नंबर पर कायरन पोलार्ड होंगे, इनके बाद कुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या। बॉलर्स की अगर बात करें तो राहुल चहर, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉल फेंक रहे हैं, इनके बाद अल्जारी जोसेफ या फिर जेसन बैरनडॉर्फ, इनमें से कोई एक। इनके बाद लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह, ये कुछ प्लेइंग 11 जो है वो हो सकती है मुंबई इंडियंस की इस मैच में जब वो भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स से। ये दोस्तों आपको एक और बार बता दें, शनिवार को ये मुकाबला खेला जाएगा जो कि दोपहर का मुकाबला होगा। और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीतकर अपनी पोजीशन जो है वो और भी ज्यादा मजबूत करना चाहेगी आईपीएल 2019 के पॉइंट्स टेबल में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप कोई और सा चेंज देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या मुंबई इंडियंस की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ राजस्थान रॉयल्स को हरा पाएगी, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।